हेलो गाइस, जय हिंद जय भारत। मैं आपका दोस्त एके अधिकारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल ट्रू फाइन। गाइस, मेक इन इंडिया के तहत एक और अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। गाइस, ये जो अमेजिंग प्रोडक्ट है ये आपके रेंज के मुताबिक है और काफी अच्छा है दूसरे के मुकाबले, दूसरे फोन के मुकाबले, दूसरी चीजों के मुकाबले। इंडियन कंपनी है और इंडिया की कंपनी ने बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ इस फोन को लॉन्च किया है। इसी तरीके के नए और लेटेस्ट फोन और अलग गैजेट्स के लिए और सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। चलिए, ज्यादा बातचीत ना करते हुए ये इंडियन प्रोडक्ट को हम लोग रिव्यू करते हैं। ये जो फोन है ये है माइक्रोमैक्स का इन्फिनिटी N11 जो कि गैलेक्सी ब्लैक के साथ 32 GB मेमोरी के साथ 2 GB रैम के साथ कंपनी ने लॉन्च किया और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में किया हुआ है। और इसके अंदर डेडिकेटेड स्लॉट भी है, यानी कि दो सिम के बीच में आप एक अपना मेमोरी भी फिट कर सकते हैं जो कि है 64 GB तक आप इसके अंदर एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक्सपेंडेबल का साइज दिया हुआ है। इसके डिस्प्ले फीचर्स के बारे में बात करें तो वो है 15.72 सेंटीमीटर, यानी कि ये 6.19 इंच का इसका डिस्प्ले। और रेजुलेशन के बारे में बात करें तो रेजुलेशन जो है वो है 720x1500 पिक्सल्स। और ये जो है ये है HD क्वालिटी का आपका पूरा का पूरा फोन है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए जानते हैं इसके प्रोसेसर फीचर्स के बारे में जो कि है ओरियो 8.1 एंड्रॉइड। और ये जो है ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ प्राइमरी क्लॉक स्पीड जो है इसका वो है 2 GHz प्लस जो है एक और इसके अंदर क्लॉक स्पीड है वो है 1.5 GHz, यानी कि 2 प्लस 1.5 GHz को मिला के ये फोन जो है वो बूम करने वाला है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ कंपनी ने लॉन्च किया है। चलिए इसके मेन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो है इसका कैमरा, और वो है 13 MP प्लस 5 MP, यानी कि दो इसके अंदर कैमरा जो है वो प्राइमरी दिए गए हैं, यानी कि 13 प्लस 5, और इसके अंदर ऑटो फोकस 13 MP एंड प्लस 5 MP जो है वो है कैमरा सेंसर आपके को दिया गया है इसके अंदर। सेकेंडरी कैमरे के बारे में बात करें तो वो है 5 MP फ्रंट कैमरा है, और ये जो है सेल्फी कैमरा है, बिग पिक्सल सेल्फी के नाम से इसको दिया गया है, और फ्रंट एंड रियर दोनों जगह इसमें फ्लैश है। और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग रेजुलेशन जो है वो है 1080 पिक्सल्स के साथ आप इसके अंदर HD क्वालिटी का वीडियो शूट कर सकते हैं। चलिए इसके मेन फीचर्स के बारे में आ जाते हैं, वो है इसके अंदर डुअल सिम दिया हुआ है। इसके अंदर आप 4G के साथ WCDMA भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। चलिए अब इसके बैटरी के बारे में बात करते हैं। बैटरी जो है वो है इसका 4000 mAh का, यानी कि 4000 mAh का और इतना बेहतरीन फोन, और जो कि आपके 4 दिन तो कम से कम निकाल ही देगा, इतना बेहतरीन है और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। चलिए इसका मेन और सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में जानते हैं, और जो है इसका प्राइस, ये आपको 6300-6400 के बीच में आपको ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। इसको आप ले सकते हैं, अपने दोस्त को दे सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को दे सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं, फैमिली के लिए भी ले सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त और अच्छी क्वालिटी के साथ कंपनी ने लॉन्च किया और कम प्राइस पे किया हुआ है। चलिए इसी तरीके की नई और सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट इंडियन प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।